कि चाहे एक आदमी का दिल टूट जाए तो वो नेता कभी नहीं हो सकता जब तक नेता सबको साथ में लेकर चलने वाली सोच या बात करने वाला नहीं होगा, वो नेता नेता नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मर मिटने वाला नेता होना चाहिए। आजकल तो पॉलिटिक्स में लोग आ गए, बोले नहीं हमको तो पॉलिटिक्स में आना, अगला पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनना है, विधायक बनना है। किसी से पूछ लो कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, यानी पॉलिटिशियन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स एक पैसा कमाने का जरिया है। अगर ये सोच से लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हिंदुस्तान में लीडरशिप की क्राइसिस हमेशा रहेगी। और हमें लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे नेता कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से पैदा करें। लीडर बनने के लिए अपना घर जला के गांव में रोशनी करनी पड़ती है, लीडर बनने के लिए लोगों का दुख बांटना पड़ता है। और जब तक लोगों का दुख बांटने वाला नेता नहीं होगा, वो नेता नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। संकीर्ण मानसिकता को लेकर यहाँ पे सर्वे रखा गया, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की सोच छोटी होती है। वो सभी चीजों को सभी ढंग से सोचना नहीं चाहते, अपने ही दायरे में घूमना चाहते। और आपने सवाल रख दिया है कि क्षेत्रीय जो सोच है वो भी देश के लिए घातक है, कि ये भी आपके आज के सेशन का एक मुद्दा है। हमें लगता है जब हम भारत में रहते हैं, भारत अलग अलग गणराज्यों का समूह है, अलग अलग राज्यों का समूह है, यूनियन है हमारा देश, हमें लगता है राज्यों के अपने अपनी सोच होती है और राज्य अपने अपने ढंग से जब चलते हैं तो वहाँ के लोग निश्चित रूप से अपने राज्यों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन संकीर्ण सोच जो है, क्षेत्रीय सोच जो है, एक पार्टी हमारे महाराष्ट्र में है बादल जी, जिसका नाम है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, क्या करना चाहती है, नव निर्माण कैसे होगा, तो भैया आ गया तो मारो उसको, भाजी बेच रहा है। निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये सोच लो कि मेरे अपने लोगों का भला हो तो हम इसको संकीर्ण सोच नहीं। जब महाराष्ट्र के लोग ये बात करेंगे कि महाराष्ट्र हमारा सबसे ज्यादा प्रगतिशील बन जाए, बहुत एक डेवलप स्टेट बन जाए, तो ये संकीर्ण सोच या क्षेत्रीय सोच नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र डेवलप होगा तो भारत डेवलप होगा। लेकिन हम ये सोचें कि सिर्फ महाराष्ट्र डेवलप हो जाए और दूसरों को डेवलप नहीं होने देंगे, तो ये जो सोच है ये घातक है। ये इसीलिए इस सोच का हम विरोध करते हैं, और निश्चित रूप से ऐसी सोच का कहीं भी इस देश की राजनीति में स्थान नहीं है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ये पूरे देश की सोच के नेता है, लेकिन मुझे मालूम है कि 4.5 साल पहले 5 साल पहले मेरे 5 करोड़ गुजराती भाइयों वाला भाषण इस देश के प्रधानमंत्री, तो लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। गुजरात की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अमर सोमनाथ मंगला बोलने वाले लोग भी देश के प्रधानमंत्री। मुझे लगता है जब एक विचार आ जाए तो दूसरा विचार लेना चाहिए। हमारी बहन ने यहाँ पे कहा कि गाय का दूध फेंक दिया जाए, ये सोच कैसी हो सकती है। बहन, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में दूध उत्पादन करने वाले ये राज्य है, और कई सालों से खास करके वो सूखा ग्रस्त इलाका जिसको हम कहते हैं पश्चिम महाराष्ट्र का, मराठवाड़े का, वहां कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, पश्चिम महाराष्ट्र में तो आज भी नहीं करता। महाराष्ट्र की लीडरशिप की उन्होंने कहा कि जोर धंधा देना चाहिए कि किसानों को कहीं ना कहीं उपज के दूसरे साधन भी निर्माण करके दिया जाए, तो डेयरी एक बड़ा उद्योग बन गया महाराष्ट्र की धरती पर। और मुझे याद है कि 1983-84 में वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इतना दूध पैदा होने लगा महाराष्ट्र के अंदर कि खपत कम हो गई।
बटर अलग करके पाउडर बनाकर अगर रखने के लिए हमारे पास स्टॉक करने के लिए जगह नहीं थी, तो उस वक्त के डेयरी डिपार्टमेंट ने फैसला किया दिल्ली में आगे डेयरी की कि दूध खरीदा जाएगा और समुद्र में फेंका जाएगा, तो परिस्थिति आती है तो खरीदना ही पड़ता है। तो 135 करोड़ लोग खा के अगर अनाज बचने वाला है या दुनिया में अनाज भेजना पड़ जाए, कोई लेने वाला ना हो, तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में सरकारों को चाहिए कि अनाज खरीद कर चला दे ताकि किसानों के दाम कम ना हो, ये भी परिस्थितियों में जाने का परिणाम। वो घटना हुई उसके साथ
जेएनयू में वहां पे प्रदर्शन हुआ जिसमें कन्हैया कुमार नारा लगा रहा है, वो भी वीडियो में देखा है। लेकिन दोनों वीडियो पर हाईलाइट करके देश विरोधी नारे कन्हैया कुमार ने लगाए, ये बोला जाएगा तो उसके साथ राहुल गांधी नवाब मलिक जैसे लोग खड़े रहेंगे। हम पिक्चर बना दी, थिएटरों में चली नहीं, रिलीज कहाँ हो रही? पाकिस्तान में।